विदेश की धरती पर स्थित एक ऐसा मंदिर जो हिंदू आस्था का केंद्र है, जिसका निर्माण हुआ था नीदरलैंड के एमस्टरडम में। जी हाँ, और यह एक शिव मंदिर है जहाँ पर तमाम विदेशी नागरिक भी पूजा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है धीरेंद्र और आप देख रहे हैं दी साइंटिफिक हिंदू। जैसा कि आप जानते हैं कि विदेशों में आजकल हिंदू धर्म खूब फल फूल रहा है, भारत की बात नहीं कर रहा मैं, जबकि भारत में वही हिंदू धर्म अपनी विलुप्ति की ओर बढ़ रहा है क्योंकि हिंदू सेकुलरिज्म निभाने में लगे हैं और सो रहे हैं। चलिए आज के वीडियो पर चर्चा करते हैं। विदेश की धरती एमस्टरडम यूरोप में हिंदू संस्कृति के प्रचार प्रसार एवं लोगों के भक्तिभाव के साथ साथ विदेश की धरती पर रह रहे भारतीयों के लिए एक ऐसा केंद्र है जिस पर पहुँच कर वहाँ पूजन पाठ एवं प्रार्थना करते हैं। 10 वर्ष पूर्व नीदरलैंड में एक हिंदू टेम्पल की स्थापना की गई थी। उसके 10 साल पूरा होने पर वहाँ पर उत्सव मनाया गया और हर्षोल्लास के साथ भजन कीर्तन भी किए गए। इसमें कई विदेशी शामिल रहे। नीदरलैंड के एमस्टरडम में स्थित शिवा टेम्पल के 10 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष संकीर्तन व प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें नीदरलैंड में रह रहे हिंदू गणमान्य एवं उस मंदिर के प्रति आस्था रखने वाले वहाँ के तमाम मूल निवासी भी इस उत्सव में शामिल हुए। मंदिर के 10 वर्ष पूर्ण होने पर कई देशों के गणमान्य हिंदू व्यक्तियों के द्वारा वहां के गुरु अवि शर्मा को बधाई दी गई, क्योंकि उनके अथक प्रयास से 10 वर्ष के अंदर वहां के मूल निवासियों में भगवान शिव के प्रति काफी आस्था बढ़ गई है और यह शिवा हिंदू टेंपल अपनी नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मित्रों, आपको बता दें कि नीदरलैंड का यह शिव मंदिर सिर्फ भारतीयों के ही नहीं बल्कि नीदरलैंड के मूल निवासियों के लिए भी वर्षों से आस्था का केंद्र बना हुआ है। वहां के यूरोपियन लोग भी अपनी आत्मिक शांति, मेडिटेशन एवं ज्योतिष परामर्श आदि हेतु लगातार मंदिर में आते रहते हैं। भगवान शिव पर अपनी अटूट आस्था भी रखते हैं, जिसके लिए गुरु अवि शर्मा जी ने उनका धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया नीदरलैंड के एक हिंदू मंदिर के बारे में जहां 10 वर्ष पूरे हो गए उस मंदिर के निर्माण को। ऐसे ही देश दुनिया में हिंदू धर्म के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें दी साइंटिफिक हिंदू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।